हेलो नमस्कार दोस्तों, इस वीडियो में हम DSSSB के जितने भी एग्जाम्स बचे हुए हैं उसके बारे में, उसका एक्सपेक्टेड डेट कब हो सकता है, एग्जाम का डेट कब तक आ सकता है, उसके बारे में इस वीडियो में हम बात करेंगे। दोस्तों अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो हमारे चैनल को जरूर से जरूर सब्सक्राइब कर लें, क्योंकि ऐसे ही DSSSB से जुड़े अपडेट हम इस चैनल पर लाते रहते हैं। दोस्तों बात करें DSSSB के एग्जाम की, स्पेशली हम इस वीडियो में 99/20 जो फी कलेक्टर का एग्जाम है उसके बारे में डिस्कशन करेंगे। बात करें दोस्तों एग्जाम की, तो आपको मालूम होगा कि हर महीने में DSSSB जो है दो बार शेड्यूल निकालती है, जिसमें बताती है कि इस मंथ में कौन कौन से एग्जाम्स होंगे। यानी कि एक मंथ में दो बार शेड्यूल आता है, यानी कि जैसे जुलाई में शेड्यूल आया तो 15 जुलाई से पहले का एक शेड्यूल आता है और 15 जुलाई के बाद का एक शेड्यूल आता है। वैसे ही हमने उसके पैटर्न को पकड़ने की कोशिश किया है कि किस किस टाइम पे DSSSB जो है शेड्यूल निकालती है। तो जुलाई एग्जाम के लिए जो देखेंगे आप, 11/6 को एक शेड्यूल निकाला था, फिर 13 दिन बाद 24/6 को एक शेड्यूल निकाला था, यानी कि लगभग यहाँ पे 13 दिन बाद एक शेड्यूल निकाला जाया। फिर अगस्त में 6/7 को और 15/7 को एक शेड्यूल निकाला गया था, यानी कि 9 दिन का डिफर कर रहा है यहाँ पे। फिर सितंबर में 30/7 और 1/7 को एक शेड्यूल निकाला गया था, एक दिन के बाद ही। और अक्टूबर के लिए 24/8 और 4/9 को एक शेड्यूल निकाला गया था, जिसमें कि लगभग आपको 10 दिन यहाँ पर भी ले रहा है, ठीक है। तो आप देखेंगे कि हर 10 से 15 दिन के अंदर एक DSSB शेड्यूल निकालती है, जिसमें अगले मंथ के एग्जाम के लिए आपको बताती है। जैसे कि आप देखिए 4/9 को जो शेड्यूल आया है, तो अगर आप इससे 10 दिन या 15 दिन जोड़े तो लगभग 15 से 20 सितंबर के बीच जो है आपका एक और शेड्यूल आ जा सकता है, जिसमें आपको नवंबर एग्जाम्स के लिए डेट दिया जाएगा। तो 15 से 20 सितंबर तक आपको नवंबर एग्जाम का शेड्यूल आ जाएगा, जिसके लिए आप वेट कर सकते हैं। बात करें दोस्तों नेक्स्ट, हम टेक्स्ट बुक पास का गिव अवे हमने रखा है इस वीडियो पे। अगर आप इस पार्टिसिपेट करना चाहते हैं टेक्स्ट बुक पास के गिव अवे में, तो सबसे पहला आपको काम करना होगा कि हमारे चैनल को जरूर से जरूर सब्सक्राइब कर लीजिए और टेलीग्राम को ज्वाइन कर लीजिए, जहां पर आपको पास दिया जाएगा। बात करें दोस्तों पिछले टेक्स्ट बुक पास के विनर को टेलीग्राम पे लिंक दे दिया गया है उसके इनबॉक्स में, जहां से जाकर वो अपना रिडीम कर चुके हैं टेक्स्ट बुक पास को। राहुल नाम का जो विनर था उनको टेक्स्ट बुक पे पास जो है उनको टेलीग्राम पे इनबॉक्स में जाकर प्रोवाइड करा दिया गया था। अगर आप भी चाहते हैं दोस्तों जितना टेक्स्ट बुक पास, तो हमारे चैनल को पहले सब्सक्राइब कर लीजिए और टेलीग्राम ज्वाइन कर लीजिए। नेक्स्ट बात करते हैं दोस्तों, यहाँ पे एक मैंने डेमो आपको दिखाया है किस तरह से नोटिफिकेशन आता है DSSSB का। यहाँ पे पोस्ट कोड रहता है, यहाँ पे डेट रहता है किस डेट को आपका एग्जाम होगा, किस शिफ्ट में आपका एग्जाम होगा, कौन से पोस्ट के लिए आपका एग्जाम हो रहा है, और यहाँ पे जो डेट आता है वो आपको मालूम चलता है। जैसे यहाँ पे 21, 23 और 24 अक्टूबर के एग्जाम्स के लिए आपको शेड्यूल दिया गया था, इस तरह से जो आप यहाँ पे देख सकते हैं। नेक्स्ट बात करें दोस्तों कि आपका एक्सपेक्टेड डेट क्या हो सकता है एग्जाम का, तो सबसे पहले देखिए आपको मालूम होगा कि बहुत सारे पोस्ट कोड का एग्जाम आया था, तो जितने भी वैकेंसी आई हुई थी, जितना भी सारा का डिटेल हमने पढ़ने के बाद एक डाटा निकाला है कि 2020 में जो है 116 पोस्ट कोड के लिए वैकेंसी आया था और 2021 में 57 पोस्ट कोड के लिए वैकेंसी आया था, ठीक है। और आप यहाँ पे देखें तो 116 में से लगभग 100 का एग्जाम हो चुका है और सिर्फ 16 बचा हुआ है, जिसमें से जो 37/20 है वह एग्जाम आपका कैंसिल हो चुका है, ठीक है। जो बच्चे 37/20 का इंतजार कर रहे हैं वो बिल्कुल ना करें, क्योंकि 37/20 जो है एग्जाम वह कैंसिल हो चुका है। और इस वीडियो में स्पेशली हम दो एग्जाम को टारगेट कर रहे हैं, 13/20 और 99/20। 13/20 जूनियर क्लर्क का वैकेंसी है जो कि 12th लेवल पर ही है, और 99/20 भी है आपको जूनियर लेवल का 99/20 फी कलेक्टर का वैकेंसी है जो कि 12th लेवल पे है, जिसमें 131 लगभग आपका पोस्ट है। तो ये दो पोस्ट से ज़्यादा लोगों ने फॉर्म भरा है, तो इसके बारे में हम स्पेशली डिस्कशन कर रहे हैं इस वीडियो में। 2021 पोस्ट कोड की बात करें दोस्तों, तो इसमें लगभग 57 पोस्ट कोड में से 9 का एग्जाम आपका हो चुका है या फिर अक्टूबर तक हो जाएगा, यानी कि जितने भी 9 एग्जाम जो है शेड्यूल्ड हो चुके हैं और 48 जो है अभी तक बचे हुए हैं। तो टोटल हमारा 64 एग्जाम्स बचे हुए हैं पोस्ट कोड के एग्जाम्स, और हर महीने जो DSSB है लगभग 20 से 25 पोस्ट कोड का एग्जाम करा लेती है। तो लगभग आपका टोटल जो 2020 और 21 का एग्जाम होने में 3 महीने समय आपको और जो है लग जाएंगे, ठीक है। नेक्स्ट बात कर लेते हैं दोस्तों एक्सपेक्टेड एग्जाम डेट जो होगा वह क्या क्या होगा। तो जितने भी 2020 पोस्ट कोड के वैकेंसी है आपका नवंबर में हो जाएगा। नवंबर में होने का कारण यह है कि दो आपका शेड्यूल आएगा, ठीक। दो शेड्यूल में अगर मानो, दो शेड्यूल में लगभग 15-15 शेड्यूल का एग्जाम हो जाता है, 15-15 जो है एक शेड्यूल में एग्जाम्स होते हैं। अगर 8 भी शेड्यूल किया जाता है एक शेड्यूल में हमारे 2020 वाले का, तो नवंबर तक टोटल जो है हमारा एग्जाम हो जाएगा। और स्पेशली बात करें 13/20 और 99/20 की,
तो 13/20 और 99/20 का एग्जाम भी आपका नवंबर के फर्स्ट यानी कि 15 तारीख से पहले या फिर 30 नवंबर से पहले जो है 100% आपका एग्जाम जो है होना ही होना है। 13/20 और 99/20 में वैकेंसी ज़्यादा है तो ज़्यादा लोगों ने एग्जाम के लिए फिलअप किया है, इसी कारण से DSSSB जो है पहले छोटे वैकेंसी वाले और छोटे ग्रुप वाले स्टूडेंट जितने भी हैं यानी कि जिस फॉर्म के लिए कम लोगों ने अप्लाई किया है उसका एग्जाम ज़्यादा से ज़्यादा पहले करा ले रही है, और 13/20 और 99/20 में ज़्यादा लोगों ने फॉर्म भरा है तो उसका एग्जाम में थोड़ा लेट इसीलिए होगा, और आपका लेट अब नहीं होगा क्योंकि नवंबर तक जो है 2020 का सारा एग्जाम क्लियर हो जाने वाला है। और 2021 वाले की बात करें दोस्तों, 2021 तक आपका दिसंबर तक आपका सारा पोस्ट कोड क्लियर हो ही जाएगा। ऐसा मैं इसलिए कह रहा हूँ कि नवंबर में 2020 क्लियर हो जाएगा और टोटल 48 पोस्ट कोड बच रहे हैं 2021 में, जो कि 2021 के 48 पोस्ट कोड बच रहे हैं जो कि नवंबर के बाद दिसंबर में 100% है कि क्लियर हो ही जाएगा, क्योंकि एक मंथ में लगभग 30 वैकेंसी आती है और 2 शेड्यूल आता है एक मंथ में, और दोनों शेड्यूल में लगभग 30 जो एग्जाम्स हैं उनको पूरा कर लिया जाता है। ठीक है, बात करें दोस्तों बहुत सारे स्टूडेंट जिनका एग्जाम का डेट आ चुका है वो इस बात से परेशान रहते हैं कि उनका एडमिट कार्ड जल्दी नहीं आता, तो दोस्तों मैं आपको बता दूं दूसरे एग्जाम्स की तरह इसमें 5 से 10 दिन पहले एडमिट कार्ड नहीं आता है, एडमिट कार्ड मात्र 1 से 3 दिन पहले। ठीक है, जिस दिन एग्जाम होगा उसके 1 से 3 दिन पहले आपका एडमिट कार्ड आता है। ऑफिशियल वेबसाइट पर आपका DSSSB.delhi.org.in पर आपको वेबसाइट पर जाना है जहाँ पर एडमिट कार्ड आपको मिल जाता है, तो आप वहाँ से चाहे तो डाउनलोड कर सकते हैं। दोस्तों ये था हमारा पूरा डिटेल्स वीडियो DSSSB के एग्जाम डेट के रिगार्डिंग। आशा करता हूँ आपको हमारा ये वीडियो पसंद आया होगा क्योंकि हमने पूरे डाटा के साथ इस वीडियो में बात किया है। ऐसा वीडियो आपको YouTube पे कहीं भी नहीं मिलेगा, सीधे सीधे पूरे डाटा और फैक्ट के साथ बताने वाला। दोस्तों अगर आप चाहते हैं कि अगर आपको कोई स्टडी मटेरियल या एग्जाम रिलेटेड कोई प्रॉब्लम हो तो हमारे टेलीग्राम से जुड़ सकते हैं, और साथ ही आप पार्टिसिपेट करना मत भूलिए जो टेस्ट बुक पास का गिव अवे है उसमें, क्योंकि टेस्ट बुक जो है बहुत ही अच्छी आपको प्रिपरेशन में मदद करती है। आशा करता हूँ दोस्तों आपको हमारा वीडियो पसंद आया होगा। हमारा वीडियो पसंद आया तो हमारे चैनल को जरूर से जरूर सब्सक्राइब कर लें, साथ ही इस वीडियो को लाइक करें अगर आपको ये वीडियो पसंद आया, और शेयर जरूर करें अपने दोस्तों के साथ जो DSSSB के एग्जाम डेट के लिए परेशान हो रहे हैं। धन्यवाद दोस्तों, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो।